ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें, अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त और बाजार इनसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 21 अक्टूबर के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके, और उसके साथ जो हम लोगों का जो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस है कल किस तरह से काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर, और उसके साथ जो ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस है ग्लोबल मार्केट की उसको लेके डिस्कस करेंगे। तो पहले बात तो ये है दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है जहाँ पर हम लोग स्टॉक्स का जो CEPE होता है यानी कि स्टॉक्स का जो ऑप्शन होता है कॉल पुट होता है, स्टॉक कॉल पुट के ऊपर बाई साइड में इंट्राडे में काम करते हैं। वहाँ पर होता है क्या, व्हाट्सअप के सपोर्ट के दौरान वहाँ पर मैं बताता हूँ कौन सा स्टॉक को लेना है और किस रेट पे उसका CEPE को बाय करना है और कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर छोड़ना है, पूरा एक लाइव मार्केट सपोर्ट वहाँ पर मैं देता हूँ और वो व्हाट्सअप मैसेज के दौरान वहाँ पर मैं देता हूँ और पूरा लाइव मार्केट में मैं मेंटर करता हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पर अगर आपको जोड़ना है, आज का परफॉर्मेंस मैंने स्क्रीनशॉट दे ही दिया है, तो उसके अंदर छोटा सा फीस है $799 पर मंथ। अगर आपको जोड़ना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेम्बरशिप दे सकते हैं। चल पड़ते हैं आज का वीडियो के अंदर, और कल किस तरह से निफ्टी 50 के अंदर हम लोग बात करके गए थे। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कल कि अगर कल जिस जहां पर इसने क्लोजिंग दिया था ये एरिया पे आसपास इसने क्लोजिंग दे के गए थे, कल हम लोग ये रेट के आसपास 18,450 के आसपास कुछ वहाँ पर क्लोजिंग देखे गए थे। और कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कल यानी कि आज को अगर हम लोग वहाँ सस्टेन नहीं हो पाए, वहाँ से ऊपर नहीं चल पाए और नीचे आने के बाद जो 380 का लेवल मैंने आप लोगों को दिया था उसके नीचे सस्टेन होना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ से खिसक सकते हैं। तो वही हुआ, आपने देखा कि मॉर्निंग में उसके ऊपर ओपन तो हुआ लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ, हम लोग नीचे आ गए और 380 के नीचे हम लोग क्लोजिंग दे गए 15 मिनट, और उसके नीचे हम लोग चल पड़े और यहाँ पर हम लोग आज का जो लो लगाया 200 के आसपास, 18,200 के आसपास। यहाँ पर नेक्स्ट होने के लिए पूरा जो लेग यहाँ पर लगाया था ना, यहाँ से यहाँ तक का जो अपर लेग जो यहाँ पर लगाया था उसका पूरा ये लेग का 50% इसने आज कंप्लीट कर लिया इस रेट के आसपास। अभी वहीं पर क्लोजिंग दे रहे हैं तो हम लोगों को कल देखना पड़ेगा ये अगर यहाँ से खिसकने का कोशिश करते हैं, यानी कि हम लोगों का लेवल स्पेसिफिक हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो कल भी हम लोग लेवल स्पेसिफिक काम करेंगे। अगर हम लोग देखते हैं कि इस एरिया को दोबारा काट के ये ऊपर जाने का कोशिश करते हैं यानी कि 18,320 के आसपास से ये ऊपर जाने का कोशिश करते हैं, ये 38% को दोबारा खींच जाते हैं ऊपर की तरफ काट जाते हैं और उसके ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देते हैं तो वहाँ से हम लोग इसको बाय करेंगे निफ्टी 50 को। कैश स्पॉट का लेवल मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कीजिए। और अगर हम लोग देखते कि दोबारा हम लोग यहाँ से नीचे आने का कोशिश करें और इस जो कैंडल यहाँ पर आज बना के ये क्लोजिंग दे रहे हैं, इस कैंडल का जो लो बनाया है यानी कि 18,200 को अगर कल ब्रेक हो जाते हैं और उसके नीचे 15 मिनट का एक भी कैंडल क्लोजिंग देते हैं, वहाँ से और भी खिसक सकते हैं हम नीचे की तरफ 62% की तरफ, तो वहाँ से हम लोग इसको शॉर्ट सेल करेंगे। लेवल मैं दे दिया हूँ कैश का स्पॉट का, उसको देखिए, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करते रहिए। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ, सारे चीज़ें एजुकेशनल पर्पस बताता हूँ। ये यहाँ पर मैं चार्ट में एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मेरा एक व्यू शेयर करता हूँ, उसको लेके आप किस तरह से काम करें वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर केस स्टडी एंड एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। अब हम लोग चल पड़ेंगे हम लोगों का जो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस है यानी कि जूनियर निफ्टी। तो मैंने 2 दिन से आप लोगों को यहाँ पर बहुत बार अलर्ट किया इस कैंडल जब बना था, और काल का कैंडल के बाद तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। मैंने आप लोगों को कल वाला वीडियो में क्लियरली बताया था ये जो कैंडल यहाँ पर बना के गया है इसको मुझे देख के लग रहा है कि आज भी इसको कंटिन्यूएशन होगा, और वही हुआ। आपने देखा यहाँ से कितना तरह से नीचे आ गए हम लोग, अब ये पूरा लेग का 62% यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर लिया है। अब यहाँ से और नीचे हम लोग
जाना नहीं चाहिए अगर ये यहाँ से हम लोग ऊपर जाना चाहते हैं तो। लेकिन ये हम लोग को देखना पड़ेगा जिस जगह पे ये क्लोजिंग देके गए हैं, यहाँ से अगर कल खिसकने का कोशिश करते हैं इसका पूरा पूरी यही मतलब होगा कि कहीं ना कहीं हम लोग जो करेक्शन है उसको इनक्रीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग बाउंस बैक करने का चांसेस है। ये मैं आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरा एरिया का पूरा लेग का 62% आज इसने कंप्लीट कर लिया है। तो कल का क्या होता है, कल एक्सपायरी भी है, हम लोगों को उसको देखना पड़ेगा किस तरह से एक्सपायरी होता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग यहाँ से एक बार नीचे की तरफ खिसकेंगे इंट्राडे के अंदर कल ही, और इंट्राडे में ही हम लोग ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर क्लोजिंग दे देंगे। तो कल हो सकता है कल हम लोग एक रिवर्सल कैंडल यहाँ से देखने को मिले, और अगर ऐसा होता है तो हम लोग परसों से दोबारा ऊपर की तरफ ही यात्रा शुरू करेंगे। अगर कल रिवर्सल कैंडल बन जाते हैं तो हम लोग को देखना पड़ेगा किस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, अब थोड़ा मिड कैप के अंदर मैंने आप लोगों को कल बताया था बहुत ही गंदा कैंडल बना के गया है, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आज भी इसका कंटिन्यूशन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोगों ने देखा इसके अंदर भी सेम चीज़ हुआ और ये पूरा लेग का 38% इसने कंप्लीट किया। अब ये हो सकता है कल मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक बार नीचे की तरफ लगाएगा और ये 50% वाला एरिया 31,000 के आसपास ये लगाएगा, उसके बाद इंट्राडे में ही वापस ऊपर चला जाएगा। कल एक ग्रीन कैंडल बनने का पॉसिबिलिटी है, लेकिन फर्स्ट हाफ में नीचे आके उसके बाद सेकेंड हाफ में खींच के ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी ओवरऑल मार्केट में। तो कल के लिए हम लोगों का जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो रहेगा बाय ऑन डीप। ठीक है, तो ये देख के हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और स्मॉल कैप के अंदर भी मैंने आप लोगों को 2-3 दिन से ही बता रहा था यहाँ से जो खराब कैंडल बन रहा था, लेकिन खिसक के हम लोग ऊपर जा रहे थे, कल हम लोगों ने देखा नीचे आ गया। अब ये पूरा लेग का 50% यहाँ पर निपटा लिया है, अब ये एरिया अभी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस टॉप के आसपास एक बार आ जाए कल कि मतलब एक नीचे की तरफ जो झटका देगा 62% चेक करके ये भी ऊपर जा सकते हैं। तो कल पूरा पूरी चांस है कि फर्स्ट हाफ हम लोग नीचे ही चले जाए, उसके बाद सेकंड हाफ में उसको रिवर्स करके हम लोग ऊपर चले जाए और उसके बाद से हम लोग ऊपर ही चलेंगे। मैंने आप लोगों को जो व्यू मैंने बताया था दिवाली तक हम लोग एक बार ऊपर की तरफ हाई को काटेंगे, इसका पॉसिबिलिटी पूरा पूरी अभी भी है, मेरा व्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अब देखना पड़ेगा। अब थोड़ा हम लोग ग्लोबल मार्केट इंडेक्सेस को देख लेते हैं। पहले हम लोग जो डॉलर इंडेक्स है उसको देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स ने इस टॉप के आसपास बराबर यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसका मतलब ये जो सपोर्ट यहाँ पर ले रहा है ये अगर यहाँ से आज इसको US मार्केट ओपन होने के बाद अगर ये खींच देते ऊपर की तरफ और कहीं ना कहीं 1-2 दिन में इस हाई को भी काटने का पॉसिबिलिटी है 94.5 के आसपास, ऐसे अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग का दिक्कत पैदा होगा। लेकिन इसने जिस तरह से यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखाया मुझे ऐसा लग रहा है एक बार ये नीचे आएगा और इस टॉप के आसपास एक बार आ सकता है, तो 92.9-93 के आसपास वहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है नीचे हम लोग आते हैं डॉलर इंडेक्स के अंदर तो इक्विटी मार्केट हम लोग के अंदर ऊपर की तरफ छलान लगाएगा, तो देखना पड़ेगा। अब थोड़ा हम लोग ग्लोबल मार्केट इंडेक्सेस को देख लेते हैं, जैसे डेली बेसिस हम लोग एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में जो US 30, US 500, डाउ जोन्स और नस्डक वो थोड़ा मतलब फ्लैट सा कारोबार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि सारे जो यूरो मार्केट इंडाइसेस है डैक्स कैक FTSE सारे फ्लैट कारोबार किया है, फ्लैट टू नेगेटिव ही है। और ब्राज़ील के अंदर हम लोगों ने देखा 3% के आसपास कुछ गिरावट आया है, उसके वजह से हम लोगों के यहाँ पर भी कुछ वहाँ पर इफेक्ट हुआ। निके के अंदर जो है फ्लैट सा कारोबार हो रहा है, हंगसेंग और चाइना पॉजिटिव है, हम नेगेटिव है यहाँ पर, और उसके साथ जो कॉस्पी है यानी कि कोरिया का वो भी थोड़ा नेगेटिव है। ठीक है, तो ओवरऑल पूरा पूरी जो सिचुएशन मैंने आप लोगों को बताया, कल फास्ट हाफ में एक बार नीचे की तरफ हम लोग आएंगे, वहाँ से हम लोग ऊपर चलने का कोशिश करेंगे, रिवर्सल बन जाएगा कल ही मेरा ये हिसाब है अभी तक चार्ट देखने के बाद। लेकिन अगर कल ऐसा नहीं होता है तो कल आके मैंने आप लोगों को बता दूंगा उसके आगे क्या हम लोग का क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। अब थोड़ा हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर चले जाते हैं, पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर खास कुछ गिरावट नहीं आया, जिस तरह से इसने पॉजिटिव क्लोजिंग देके गया है, जिस तरह से निफ्टी के अंदर फॉल आया है बैंक निफ्टी, ये इन्होंने यहाँ पर रिजेक्शन कर दिया है, रिजेक्ट किया है, मैं तो नहीं नीचे आ रहा हूँ। अब ये एरिया कल जैसे मैंने बताया था उसके हिसाब ही बराबर हम लोग काम करेंगे,
39,700 अब बन गया है इसका जो रेजिस्टेंस। इसके ऊपर जाके अगर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देते हैं तो बैंक निफ्टी को हम लोग वहाँ से बाय करके चलेंगे। लेवल मैंने दे दिया है, स्पॉट का लेवल है, अपने अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से काम कीजिए। और एक बात दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, ये मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर। इंट्राडे में बाय साइड में हम लोग काम करते हैं। लाइव मार्केट सपोर्ट यहाँ पर भी आपको मिलेगा। अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बाय साइड में इंट्राडे में काम करना है तो आप यहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हैं। छोटा सा फीस है, 599 पर मंथ पे करके मेंबरशिप ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे मैंने दे दिया है, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर नीचे आने का कोशिश करते हैं और ये एरिया जो ये लो एरिया था 39,300, इसके नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देते हैं तो ये भी हम लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग नीचे आ सकते हैं अगर ये लेवल को तोड़ के क्लोजिंग देते हैं तो। कैश का लेवल, स्पॉट का लेवल मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, अपने अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए, उसके हिसाब से काम करते रहिए, ठीक है। और एक बात दोस्तों, मैंने इन स्क्रीन में दो वीडियो जोड़ रहा हूँ। एक वीडियो तो मैं शाम को एक इक्विटी को लेके, मेरे कल के लिए चार इंट्राडे स्टॉक को लेके वीडियो आ जाएगा, शाम को मैं जब वो अपलोड करूँगा 7 बजे के आसपास उसको जाके देख लेना। और एक जो यहाँ पर पेनी स्टॉक को लेके बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपको यहाँ से 10-10 गुना कमा के दे सकते हैं, वैसे 3 स्टॉक को लेके है, उसको जाके ज़रूर देख लीजिए, एंड स्क्रीन में मैंने जोड़ दिया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।